एक आता है टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ ए रूम इज 1 सेकेंड। अब टाइम टी वन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये क्या होता है? देखो जब कभी भी बड़े बड़े लोग मीटिंग करते हैं तो जो जो हॉल होता है इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इको जनरेट ना हो और वो साउंड को ऑब्जॉर्व कर ले, और कर्टेन, टेबल, चेयर, आदमी भी साउंड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो साउंड को 60 डे टाइम ऑफ रिवर्बरेशन समझना। टाइम ऑफ रिवर्बरेशन वो होता है कि साउंड जब से किसी सरफेस से कोलाइड हुई तो उसको 60 डेसिबल डिक्रीज होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन होता है। ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो साउंड 100 डेसिबल है, अब इसको 100 से 40 डेसिबल होने में 10 सेकेंड लग गया, मतलब 60 डेसिबल कम होने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम ऑफ रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो 60 डेसिबल कम हो गया कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। तो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन 10 सेकेंड हो गया। ये अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। तो चलो अब इसका ये जो फार्मूला है, जनरली ये फार्मूला पढ़ाया नहीं जाता है, तो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन का फार्मूला है तो 0.61 वॉल्यूम भी डिवाइडेड बाई ए और एस। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ कैलकुलेशन, वेयर ए इज द एवरेज कोफिशियंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस सरफेस एरिया है, भी उस रूम का वॉल्यूम है 0.61 कॉन्स्टेंट है। तो ये कहता है कि टाइम ऑफ रिवर्बरेशन जो है टी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और सरफेस एरिया के, ऐसे कुछ। तो टाइम टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू वॉल्यूम वी टू अपॉन वी वन, एंड ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एस वन अपॉन एस टू, ऐसे लिख सकता हूँ। अब कहता है डायमेंशन डबल कर दो, रूम का डायमेंशन डबल कर दो। तो डायमेंशन डबल करोगे तो पहले अगर वॉल्यूम भी था, वी वन भी था, तो डबल करने के बाद ए 8 भी आ जाएगा, और ए भी था तो, क्योंकि और सरफेस एरिया पहले एस था तो डबल होने के बाद ये 4s आ जाएगा, तो s ने s को, b ने b को, दैट इज 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड टाइम जो t2 आ जाएगा, टाइम t2 वो 2 टाइम्स t1, और t1 पहले 1 सेकेंड दिया था तो t2 2 सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमें 2 सेकेंड ऑप्शन सही है। ये फार्मूला जनरली पढ़ाया नहीं जाता है।